व्हाट्सएप फ्रेंड्स के आप लोग भी 2024 का नया प्रोफेशनल हैप्पी न्यू ईयर फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए, तो आप लोग भी कुछ इस टाइप के नया ट्रेंडिंग हैप्पी न्यू ईयर 2024 का फोटो एडिटिंग करना सीख जाए। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो आपके लिए स्पेशल वीडियो होगा। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो आप लोग मिस कर देते तो आने वाला 2024 का नया ट्रेंडिंग फोटो 1 जनवरी का नई एडिट करना सीख पाएंगे। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो आपके लिए स्पेशल वीडियो होगा। सो फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी से मैं एडिटिंग से वीडियो डालूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चले जान बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे 2024 का हैप्पी न्यू ईयर फोटो एडिटिंग। सो फ्रेंड्स यहाँ पे अनेक प्रकार के यहाँ पे फोटो एडिटिंग के 2024 का हैप्पी न्यू ईयर फोटो एडिटिंग फ्रेंड्स के साथ। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो आपके लिए स्पेशल वीडियो होगा। सो फ्रेंड्स देख सकते कितना हाई क्वालिटी फोटो एडिटिंग हुआ। सो फ्रेंड्स यहाँ पे एक और दिखा सकते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंडिंग फोटो एडिटिंग। सो फ्रेंड्स आने वाला 1 जनवरी को आप लोग एडिटिंग करके आप लोग वाकाल मचा सकते हैं। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे कितना मस्त लग रहा है ये चीज। तो फ्रेंड्स चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है, नॉर्मल पिक को लेके आप लोगों सीधा आप लोगों को यहाँ पे शेयर वाले पर क्लिक कर लीजिएगा। ओके उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर फोटो को सेव कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर फोटो सेव कर रहे हैं एंड फ्रेंड्स आप लोग भी फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर फोटो को सेव कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस आएगा एंड आप लोगों यहां पे कट मार लीजिएगा। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे कट मारने के बाद आप लोगों को क्या करना, सबसे पहले आप लोगों को अपना नॉर्मल पिक को बैकग्राउंड रिमूव कर लीजिएगा। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आप लोगों को क्या करना, इस वाले पर आप लोगों को टैप कर लेना है। तो यहाँ पे इस वाले पर टैप करेगा तो आपके सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस आएगा एंड आप लोग को यहाँ पे शो कर रहा है एंड यहाँ पे डाउनलोड भी होगा। ओके सो फ्रेंड्स यहाँ पे नेटवर्क रहेगा तो आप लोगों को यहाँ पे पूरा फुल एचडी हाई क्वालिटी फोटो अपना यहाँ पे शो कर जाएगा। सो फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है एंड आप लोगों को ऊपर कॉर्नर में ऑप्शन रहेगा, आप लोगों को उस पर टैप कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कट मार दीजिएगा। कट मारने के बाद आप लोगों को क्या करना, सीधा आप लोगों को फोटो को अपना सेव कर लीजिए अपना गैलरी में। ओके सो फ्रेंड्स देख सकते हैं फोटो रूम एप्लीकेशन से बैकग्राउंड को रिमूव करके सेम कर लिए अपना गैलरी में एंड आप लोग भी अपना गैलरी में फोटो को सेम कर लीजिएगा। उसके बाद यहां से डायरेक्टली आप लोग बैक चल जाएगा। बैक चल जाने के बाद आप लोगों को क्या करना, पिक्सेट मोबाइल एप्लीकेशन को डायरेक्टली आप लोग ओपन कर लीजिएगा। तो पिक्सेट मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करिएगा तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा एंड फ्रेंड्स आप लोगों को इस वाले पर भी टैप करिएगा एंड पर्सनल में आप लोगों को इस वाले पर मैं टैप करके मैं एडिटिंग करता हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये दोनों में से कोई वाला पर टैप करेगा तो आप लोग को पिक्सेट मोबाइल एप्लीकेशन को फोटो को लेके चल जाएगा। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी फ्रेंड्स में यहाँ पे आप लोग को इस वाले पर मैं टैप करके आप लोग को यहाँ पे एडिटिंग करना सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे इस वाले पर टैप कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आपके साथ यहाँ पे अलाउ अलाउ का ऑप्शन आएगा, आप लोग को एल ऑल कर लीजिएगा। ओके सो फ्रेंड्स उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है एंड आप लोग को एक बैकग्राउंड चॉइस कर लीजिएगा। ओके तो यहाँ पे मैं फटाफट में अपना यहाँ पे बैकग्राउंड चॉइस कर लेते हैं एंड आप लोग भी अपना यहाँ पे बैकग्राउंड चॉइस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला बैकग्राउंड है तो मैं यहाँ पे ये वाला बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स एंड आप लोग भी यहाँ पे एक बैकग्राउंड ले लीजिएगा, ठीक। ओके इतना तो समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद फ्रेंड्स आप लोग को क्या करना है एंड आप लोग कॉर्नर में रहेगा डन का ऑप्शन। ओके तो आप लोग डन वाला पर क्लिक करिएगा, ठीक। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है एंड आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऐड फोटो पर आप लोगों को क्लिक कर लीजिएगा। ऐड फोटो पर क्लिक करने के बाद जो फोटो अपना पीछे का बैकग्राउंड रिमूव किए एंड आप लोगों को वो वाला फोटो को आप लोगों को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं अपना सेलेक्ट कर लेते हैं एंड आप लोग भी अपना ऐड फोटो को आप लोग को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। ओके तो इतना तो समझ में आ रहा है। तो फ्रेंड्स अनफ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्या करना है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को दोनों फिंगर से आप लोगों को कुछ इस टाइप के जूम करके सबसे आसान तरीका से आप लोग अपने अच्छे से एडजस्ट कर लिया बैकग्राउंड के पास। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपने अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं एंड आप लोग भी अपने अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग कॉर्नर में रहेगा ऊपर ऑप्शन डन का, तो आप लोग उस पर क्लिक करेगा तो फोटो यहाँ पे डन हो चुका है। तो फ्रेंड्स फोटो यहाँ पे सेम हो जाएगा अपना बैकग्राउंड के पास। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे पीछे जो यहाँ पे व्हाइट है तो फ्रेंड्स इसको आप लोगों को यहाँ पे कट करेगा। कट करने के बाद कट करने के लिए आप लोगों को क्या करना है एंड सिंपली आप लोग टूल्स वाले पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पे क्रॉप पर आप लोगों को क्लिक कर लीजिएगा, ठीक। ओके
सो फ्रेंड्स क्रॉप पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्या करना है एंड कुछ इस टाइप के आप लोगों यहाँ पे आप लोगों एक एक फिंगर से आप लोगों को क्या करना है एंड आप लोगों को कुछ इस टाइप के जूम करके एंड फोटो को यहाँ पे कट मार लीजिएगा ठीक। उसके बाद यहाँ पे डन कर लीजिएगा। डन करने के बाद तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना बवाल का लग रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है एंड आप लोगों को यहाँ पे इफेक्ट वाले पर क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इफेक्ट है तो आप लोगों को इफेक्ट वाले पर क्लिक कर लीजिए तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। एंड फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है एंड आप लोगों को यहाँ पे तीसरा नंबर में रहेगा ऑप्शन तो फ्रेंड्स इस वाले पर आप लोगों को क्लिक कर लीजिएगा। तो इस वाले पर क्लिक करने के बाद देख सकते कितना हाई क्वालिटी HDR में होना स्टार्ट हो गया फोटो। तो सबसे आसान तरीका आज की इस वीडियो आपके लिए स्पेशल वीडियो है तो सबसे आसान तरीका का फोटो एडिटिंग करना आप लोग को सिखाएंगे कम टाइम में। तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना कॉर्नर में रहेगा ऊपर डन का ऑप्शन तो आप लोग डन पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना फिर से आप लोग इफेक्ट वाले पर आके उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है एंड आप लोगों को यहाँ पे कलर वाले पर आप लोगों को क्लिक कर लीजिएगा। ओके तो यहाँ पे कलर वाले पर क्लिक कर लेने के बाद आप लोगों को क्या करना है एंड आप लोगों को फिर से आप लोगों को यहाँ पे तीसरा नंबर में यहाँ पे रहेगा कलर वाला ऑप्शन का तो उस पर फिर से आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है कुछ इस टाइप के अपनों दोनों फिंगर से या फिर एक फिंगर से आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे कलर देख सकते हैं तो कितना हाई क्वालिटी HDR को आप लोग अपने अच्छे से कलर इफेक्ट करना चाहते हैं अलग कलर का तो आप लोग अलग कलर का फोटो एडिटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ओके तो मैंने आप लोग यहाँ पे पीला कलर एडिट किए हैं तो एंड आप लोगों को पीला कलर एडिटिंग करना आप लोगों को सिखाएंगे। तो मैं देख सकते कितना हाई क्वालिटी HDR तो फ्रेंड्स अनफ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना एंड आप लोगों को ऊपर में रहेगा ऑप्शन आप लोगों उस वाले पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है डायरेक्टली आप लोगों फोटो रूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर फोटो को सेव कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट यहाँ पे कर लेते हैं एंड फ्रेंड्स आप लोग भी यहाँ पे फटाफट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे सेव वाले पर क्लिक करके एंड आप लोग क्या करना ऑलरेडी आप लोगों फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर सॉरी लाइट रूम वाला एप्लीकेशन के अंदर फोटो को सेव कर लीजिएगा। ओके सो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी लाइट रूम वाले एप्लीकेशन के अंदर फोटो सेम कर लिए एंड आप लोग भी लाइट रूम वाले एप्लीकेशन के अंदर फोटो सेम कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आयल फोटो पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे फोटो दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लैपटॉप में आप लोग को सेम टू सेम ऐसा 2024 का ट्रेंडिंग फोटो आप लोग को एडिटिंग करना सिखा देंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोगों को क्या करना है एंड आप लोग को एक पिक्सेट कॉपी सेटिंग कर लेना। ओके तो यहाँ पे कॉपी सेटिंग करने के बाद आप लोगों को क्या करना है ए पिक्सेट को मैं कॉपी सेटिंग करके आप लोग को लाइव प्रूफ आप लोग को वन क्लिक में एडिटिंग करना सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है ऊपर कॉर्नर में ऑप्शन रहेगा 3 डॉट आप लोग को उस पर टैप करके आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे कॉपी सेटिंग कर लेना है। ओके तो यहाँ पे कॉपी सेटिंग कर लेने के बाद आप लोग क्या करना है यहाँ पे रहेगा खाली खाली ऑप्शन आप लोग को उस पर टिक लगा देना। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग कॉर्नर में रहेगा डन का ऑप्शन उस पर क्लिक करेगा तो डन हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है एंड आप लोग को जो पिक्सेल वाले एप्लीकेशन से डायरेक्टली आप लोग लाइट रूम वाला एप्लीकेशन में ओपन किया वो फोटो को आप लोग को यहाँ पे ले लीजिएगा। तो यहाँ पे वो फोटो आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है एंड आप लोगों को यहाँ पे कॉर्नर में रहेगा 3 डॉट आप लोगों को उस पर टैप कर देना। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है एंड आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं पैक सेटिंग आप लोग करेगा तो वन क्लिक में वो वाला एडिटिंग यहाँ पे जल्दी यहाँ पे शो कर जाएगा। तो देख सकते कितना भौकाल वाला लग गया वन क्लिक में आप लोग को एडिटिंग करना सिखा दिए। तो फ्रेंड्स देख सकते कितना हाई क्वालिटी HDR वन क्लिक में एंड कुछ भी करने को नहीं पड़ा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते कितना भौकाल वाला एडिटिंग वन क्लिक में होकर तैयार हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है ऊपर में रहेगा यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर में ये वाला ऑप्शन पर आप लोगों को क्या करना है यानी आप लोगों को फोटो को सीधा शेयर कर लीजिए स्नैपशीट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। ओके सो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे स्नैपशीट वाले एप्लीकेशन के अंदर फोटो को सेव कर लिए। फ्रेंड्स अनफ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है एंड जहाँ जहाँ ब्लैक है एंड वहाँ वहाँ आप लोग क्या करना है क्रीम पोतना है। ओके तो यहाँ पे क्रीम पोतेंगे तो यहाँ पे व्हाइट हो जाएगा। तो आप लोगों को क्रीम पोतने के लिए आप लोगों को क्या करना है एंड यहाँ पे टूल्स वाले पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है टूल्स वाले पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्या करना है एंड आप लोगों को ए वाला क्रीम पर आप लोगों को क्लिक कर लीजिएगा। तो ए वाला क्रीम आप लोगों को सबसे बेस्ट क्रीम होगा जहाँ जहाँ ब्लैक है वहाँ वहाँ आप लोग क्या करना है एंड आप लोगों को वहाँ वहाँ करके आप लोगों को यहाँ पे प्लस वाले पर क्लिक कर लीजिएगा ठीक। उसके बाद चेहरा पर आप लोगों को रिप्लाई मारेगा तो यहाँ पे चेहरा पर जूम करके एंड आप लोगों को क्या करना है कुछ इस टाइप के प्लस को 12 कर लीजिएगा एंड प्लस आप लोगों को यहाँ पे रखना है 42 अपना फोटो के हिसाब से। ओके तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे 12 रखिएगा एंड फ्रेंड्स यहाँ पे एस के रखिएगा आप लोगों को 11 माइनस। ओके उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग क्या करना है एंड आप लोगों को फिर से आप लोगों को दूसरा लेके एंड आप लोगों को क्या करना है एंड फिर से यहाँ पे जहाँ जहाँ ब्लैक है वहाँ वहाँ आप लोग फिर से ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा यहाँ पे क्रीम पोता गया। ओके उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग कॉर्नर में रहेगा डन के ऑप्शन। ओके तो डन पर आप लोग क्लिक करेगा तो यहाँ पे वन क्लिक में डन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पे कितना मस्त लग रहा है। तो बिफोर
एंड आफ्टर, देख सकते हैं यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर, तो कितना HDR में हाई क्वालिटी होना स्टार्ट हो गया। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो आपके लिए स्पेशल वीडियो होगा, एंड फ्रेंड्स आप लोगों को कम टाइम में 2024 का नया ट्रेंडिंग फोटो एडिटिंग करना सिखा दें। एंड फ्रेंड्स आप लोगों क्या करना है, यहाँ पर टूल्स वाले पर फिर से क्लिक कर लीजिएगा, उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग क्या करना है, यहाँ पे HDR पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। ओके HDR पर जब क्लिक करेगा तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हाई क्वालिटी एंड यहाँ पे फेस पर भी येलो ट्रेंड आ गया। तो इसको आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, एंड आप लोगों को मैं इसको फेस के ऊपर से आप लोगों को यहाँ पे हटा के दिखाएंगे। तो आप लोग क्या करना है, कॉर्नर में डन का ऑप्शन, तो आप लोग डन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऊपर में आप लोगों को क्लिक कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स आप लोग को ऊपर में क्लिक करेगा तो फिर से आप लोगों को इस वाले पर क्लिक कर लीजिएगा। ओके उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को इस वाले पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, एंड आप लोगों को यहाँ पे ब्रश के आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है, एंड आप लोगों को यहाँ पे इस वाले पर आप लोगों को क्लिक कर लीजिएगा। ओके तो इस वाले पर क्लिक करेगा तो देख सकते हैं यहाँ पे इफेक्ट आ चुका है पूरा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो आपके लिए स्पेशल वीडियो है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है, इस पर नहीं क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपके लिए स्पेशल भाई ऐसा फोटो एडिटिंग करना सिखा देंगे वन क्लिक में। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग इस वाले पर क्लिक करेगा तो फ्रेंड्स देख सकते कितना मस्त लग रहा है। तो फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पे शर्ट पर सिर्फ इफेक्ट डालिया। ओके तो आप लोग यहाँ पे शर्ट के ऊपर इफेक्ट डालेगा तो कितना मस्त लग रहा है, HDR शर्ट इफेक्ट आप लोगों को होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग क्या करना, सिर्फ शर्ट के ऊपर से इफेक्ट डालिया। ओके तो यहाँ पे शर्ट के ऊपर से इफेक्ट डालिया तो कितना मस्त लग रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी अपने अच्छे से शर्ट के ऊपर से इफेक्ट डाल लीजिएगा। ओके प्रोफेशनल तरीका से। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे डन करेगा ऑप्शन, आप लोग उस पर डन कर दीजिएगा। डन करने के बाद देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है, एंड फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से डन कर, तो देख सकते बिफोर एंड आफ्टर, तो कितना मस्त लग रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग क्या करना, फिर से टूल्स वाले पर आके आप लोगों को क्या करना है, डिटेल्स पर आप लोग क्लिक कर लीजिए। डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्या करना, शार्पनिंग कुछ इस टाइप का इतना रख लेना, ठीक 14 रख लेना आपको प्लस। उसके बाद आप लोग करना पड़ेगा डन का ऑप्शन, तो आप लोग डन पर क्लिक कर लीजिएगा। ओके तो देख सकते कितना मस्त लग रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है, एंड यहाँ पे आप लोग सेव वाले पर क्लिक करके फोटो को सेव कर लीजिए अपना गैलरी में। ओके सो फ्रेंड्स देख सकते हैं स्नैपशीट मोबाइल एप्लीकेशन से एडिट करके सेम कर लिया अपना गैलरी में। एंड फ्रेंड्स अन बारी आता है फेस स्मूथ का, तो फ्रेंड्स फेस स्मूथ में आप लोग पीछे हट जाते हैं। तो आज की इस वीडियो आपके लिए स्पेशल वीडियो का, आप लोग फेस स्मूथ करना भी सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग क्या करना है, यहाँ पे फिर से वाले पर क्लिक करके ऑटो डी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर फोटो को सेम कर लीजिएगा। ओके तो यहाँ पे ऑटो डी मोबाइल एप्लीकेशन ओपन हो रहा है, एंड फ्रेंड्स आप लोग भी ऑटो डी मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस है, एंड फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है, एंड आप लोग को इस वाले पर पहले नंबर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग को एक एडिट किए होंगे, आप लोग को वो वाला पार्ट को आप लोग को डिलीट मार लीजिएगा सबसे पहले। तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन रहेगा, आप लोगों को क्या करना है, सीधा डिसेबल कर दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है, सिंपल से आप लोगों को क्या करना है, पेंसिल वाले पर आप लोगों को क्लिक कर लीजिएगा। ओके पेंसिल वाले पर क्लिक करने के बाद आप लोग को सामने कुछ इस टाइप के ब्रश इफेक्ट आ जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है, जो मैं ब्रश यूज करूंगा एंड आप लोग को वही वाला ब्रश को यूज कर लीजिएगा। ओके तो यहाँ पे आप लोग को ए वाला ब्रश पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे हेयर ब्रश है। ओके तो यहाँ पे हेयर ब्रश का आप लोग को सेटिंग देख सकते हैं कुछ इस टाइप के इतना है, एंड आप लोग को साइज को अपना बढ़ा सकते हैं अपना हेयर के हिसाब से। ओके तो यहाँ पे मैं रखता हूँ 4 मेस्लम। एंड फ्रेंड्स अनफ्रेंड्स आपको क्या करना है, एंड आप लोग को हेयर के ऊपर अपना अप्लाई मारेगा। ओके तो यहाँ पे जब भी अपना हेयर के ऊपर अप्लाई मारिएगा तो कुछ इस टाइप के हेयर मेरे जैसा प्रोफेशनल हेयर एडिटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग अपने अच्छे से हेयर बनाइएगा। ओके तो यहाँ पे मैं आप लोग को एग्जांपल के लिए मैं आप लोग को यहाँ पे बता देते हैं फ्रेंड्स, एंड आप लोग अपने अच्छे से हेयर के ऊपर अपना अच्छे से हेयर बना लीजिएगा। ओके तो यहाँ पे हेयर ब्रश आप लोग को बता दिए हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो आपके लिए स्पेशल वीडियो था, तो उसके बाद फ्रेंड्स अनफ्रेंड्स आप लोग को क्या करना है, एंड फिर से आप लोग को पेंसिल वाले पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डन कर दीजिएगा। डन करने के बाद आप लोग को क्या करना है, एंड आप लोग को स्मूथ ब्रश आप लोग को यूज कर लीजिएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे 4 नंबर में आप लोग को रहेगा ए वाला ब्रश, आप लोग को इसका सेटिंग में दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स अनफ्रेंड्स आप लोग को इसका सेटिंग रखिएगा इतना। ओके सो फ्रेंड्स यहाँ पे फॉलो कर रखिए एक, एंड आप लोगों को यहाँ पे रखिए दूसरा, तीसरा नंबर को आप लोगों को रखिए 32। ओके तो एंड फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पे साइज के हिसाब से अपना फोटो को स्मूथ करेगा, उसके हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं जब भी स्मूथ करेगा हाई क्वालिटी के यहाँ पे स्मूथ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, साइज को कुछ इस टाइप का आप लोगों को छोटा कर करके, एंड आप लोगों को अच्छे से अपने हल्के हाथों से आप लोग स्मूथ करें। तो देख सकते कितना हाई क्वालिटी HDR में स्मूथ होना स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स देख सकते कितना मस्त तरीका का स्मूथ हो रहा है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो आपके लिए स्पेशल वीडियो था, 2024 का फोटो एडिटिंग हैप्पी न्यू ईयर।
तो फ्रेंड्स ऐसा करते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ पे खत्म कर देते हैं फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो इतना ही, तब तक के मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।